हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है शुद्धि क्रियाएं एवं इसके प्रकार। ये बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक है योगा, जिसमें शुद्धि क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है ये आज हम देखेंगे। शरीर को स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने के लिए यौगिक शुद्धि क्रियाएँ सबसे उत्तम व उपयुक्त साधन है। अगर हम अपने शरीर को चाहते हैं कि वो ऑलवेज वो हेल्दी बना रहे, सुंदर दिखे वो, तो हमें शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए, जो कि सबसे ये उत्तम और उपयुक्त साधन है। शुद्धि क्रियाओं से व्यक्ति अपने शरीर को इतना मजबूत व परिपक्व बना लेता है कि वह विषम परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं गंवाता तथा हर समस्या का दृढ़ता से सामना कर उसका उचित समाधान निकाल लेता है। वर्तमान समय में व्यक्ति का जीवन विभिन्न समस्याओं व तनावों से घिरा हुआ है और वह इन समस्याओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाता खुद को, क्योंकि उसकी अंदरूनी शरीर चिंता, तनाव, द्वेष आदि विचारों के कारण अपनी शक्ति खो देता है। शुद्धि क्रियाएं व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकती है। शुद्धि क्रियाएं क्या है? शुद्धि मीन्स होता है ही अपने आप को शुद्ध करना। जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो गलत विचार चल रहा है, तो उस चीज़ को ये दूर करने का काम करता है। शरीर को क्या करता है? स्वच्छ बनाता है, सुंदर बनाता है, उसे स्वस्थ करता है। और हर परिस्थितियों में, चाहे किसी भी टाइप का कोई परिस्थिति हो, कोई विषम परिस्थिति हो, उसमें हमें लड़ना सिखाता है, अपने संतुलन को गंवाने से हमें बचाता है, हर समस्या का दृढ़ता से सामना करना सिखाता है, हर समस्याओं का समाधान करना सिखाता है। अर्थ देखेंगे इसका क्या है। शुद्ध क्रियाओं का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध करने वाली क्रियाएं, जिनके करने से व्यक्ति अपने अंदरूनी अंगों की स्वयं ही पूर्ण रूप से सफाई कर लो विभिन्न अंगों से अपने आप को बचा सके। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी शुद्धि क्रियाओं के द्वारा अपने अंदर, शरीर के अंदर किसी तरह के कोई भी अगर गलत भावनाएं चल रही है, या हम तनाव में हैं, या चिंता में हैं, या द्वेष में हैं, या क्रोध में हैं, वैसे नेगेटिविटी टाइप के जो भी थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, तो उससे ये हमें बचाने का काम करता है। जो हमारी शक्ति खो जाती है, उस शक्ति को वापस लाने का काम ये करता है। ये उपयुक्त साधन है। शुद्धि क्रियाओं को योग की भाषा में यौगिक क्रम या शरीर को शुद्ध करने वाली छह क्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। छह क्रियाएं होती है शुद्धि क्रियाओं में, जो हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। शुद्धि क्रियाओं के भी प्रकार है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, टोटल सिक्स है ऐसे मेनली। पहला नेति क्रिया, नेक्स्ट है धोती क्रिया, नेक्स्ट है नौली क्रिया, नेक्स्ट है फिर बस्ती क्रिया, फिर है त्राटक क्रिया एंड कपाल भाती क्रिया। इस तरह से गाइस, ये शुद्धि क्रियाएं का अर्थ हुआ उसके, एंड उसके टोटल सिक्स टाइप्स हो गए। और शुद्धि क्रियाएं जो हमें शुद्ध करना सिखाता है, शुद्ध विचार लाए हम अपने अंदर, जो भी काम हमारा हो वो सही हो, और जो नेगेटिविटी है उसे हमें ये दूर करने का काम करता है। हमारे बॉडी को काफ़ी ये स्ट्रांग बनाता है, ताकि हम कैसी भी विषम परिस्थिति हो उसमें अपना जो संतुलन है, अपना जो बैलेंस है, वो कभी ना गंवाए और हर समस्या का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके, उचित समाधान निकाल ले। तो इसलिए ये क्रिया वर्तमान समय में काफ़ी व्यक्ति जीवन के लिए ये काफ़ी उत्तम है, उपयुक्त है। गाइस, भी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।